Welcome again in your English class. Open your English grammar books. Last kind of a noun, yes? Possessive nouns. You must have seen this sign everywhere. Many of the times in your books, isn't it? What does this mean? Apostrophe. Kya matlab hota hai iska? Apostrophe. So in possessive case, means possessive nouns mein apostrophe is used. And S. We use the possessive case to show who owns something. जब हमें बताना होता है कि वो चीज़ उसकी है स्पेशली, तो हम कौन सा केस यूज़ करते हैं? पोजेसिव केस, यानी पोजेसिव नाउन्स. सपोज दिस पेंसिल, ये पेंसिल किसकी है? इट इज़ माइन. सो आई विल से दिस पेंसिल इज़ मैम्स पेंसिल. तो जब हमने लिखा मैम्स, तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, इसका मतलब तो बहुत सारे हो गए. विल पुट अपोस्ट्रॉफी. दिस अपोस्ट्रॉफी मीन्स स्पेशली मैम की है. अंडरस्टूड? सी हियर एग्जांपल्स. देयर इज अ बर्ड्स नेस्ट ऑन दिस ट्री. ट्री पे नेस्ट है, वी नो, बट हमने स्पेशली बताया किसका नेस्ट है? बर्ड्स, अपोस्ट्रॉफी एस. अगर हम सिंपल ऐसे बर्ड्स लिखते और अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, तो इसका मतलब बहुत सारी बर्ड्स के नेस्ट हैं. लेकिन बहुत सारी के नहीं है, स्पेशली हम बता रहे हैं कि इस बर्ड का नेस्ट है. सो वील से बर्ड्स नेस्ट, इसमें क्या आएगा? अपोस्ट्रॉफी एस. कपिल इज वेयरिंग हिज फादर्स कैप. कपिल किसकी कैप पहने? फादर की स्पेशली. तो हाउ विल से फादर्स कैप, अपोस्ट्रॉफी एस. Tina plays with Susan's dog. Tina, she is playing, but whose dog she is playing? Susan's, apostrophe S. This car's seats are comfortable. There are many cars, but I'm specially pointing out this car's. So, apostrophe S. लेट्स सी सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये हम नोटबुक में लिखेंगे, बट बिफोर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. वी यूज अपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर सिंगुलर नाउन्स. आपको पता है सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स ओनली वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. ओके, सो जब सिंगुलर नाउन है तो हम सिंपल अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. नीमास, कैट, मदर्स, ग्रैंड मदर्स, स्पेक्टिकल्स. बट जब हम प्लूरल नाउन्स की बात कर रहे होते हैं, प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे होते हैं, दैट एंड्स इन एस, क्योंकि प्लूरल है तो ऑलरेडी एस में एंड होगा, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा प्लूरल है. वी यूज अपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस. तो हम किसके बाद यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी? एस के बाद. सी बॉयज, ये बॉयज, बहुत सारे बॉयज हैं. अब मुझे बताना है स्पेशली बॉयज की शर्ट्स है, बहुत सारे बॉयज की शर्ट्स रखी हुई हैं, तो अपोस्ट्रॉफी. लेकिन ये अपोस्ट्रॉफी कहाँ आएगा? इधर आएगा, जिससे पता चलेगा ये प्लूरल है. पेरेंट्स एनिवर्सरी, पेरेंट्स में मदर एंड फादर दोनों आते हैं, इसलिए अपोस्ट्रॉफी इधर आएगा, बिकॉज पेरेंट्स में यू टॉकिंग अबाउट बोथ द पेरेंट्स, मदर एंड फादर. अंडरस्टूड? नाउ वील अंडरस्टैंड बेटर बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 17. See, write the possessive nouns for the words given in column A and column B. First one is done for you. Here is given queen. Here is given necklace. So, queen's necklace. Grandfather, stick. So, it will be grandfather's stick. नेक्स्ट, रीना एंड कैट. रीना की कैट है स्पेशली, सो रीनाज कैट. मदर एंड पर्स, किसका पर्स है? मदर का स्पेशली, सो मदर्स अपोस्ट्रॉफी एस एंड देन पर्स. टीचर एंड स्पेक्टिकल्स, टीचर्स apostrophe s, spectacles. Arun room, whose room? Arun's room. Arun's room.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट डाउन द पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. द नेम ऑफ अ गर्ल, इफ यू आर आस्किंग द नेम ऑफ अ गर्ल, हाउ विल यू से द गर्ल्स नेम. द मशीन ऑफ द टेलर, सो हूज मशीन इट इज, टेलर्स, सो वील राइट डाउन द टेलर्स मशीन. द सॉन्ग ऑफ द मैना, हू सॉन्ग, मैनाज सॉन्ग, द मैनाज सॉन्ग. द शॉप ऑफ द बेकर, हू शॉप, बेकर्स शॉप, द बेकर्स शॉप. टर्न द पेज, पेज नंबर 18. This you will do in homework. Write down homework here and today's date. Same as we did. Write the following words in the singular and the plural to show possession. Now we have to session again. Singular mein bhi likhna hai, plural mein bhi likhna hai. Child. Singular mein childs. Idhar aa jayega. Aur child ka plural kya hota hai? Children. Isn't it? तो चाइल्ड्स तो नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, फिर इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस. हिप्पोपोटमस, सो हाउ विल राइट हिप्पोपोटमस इन सिंगुलर. हिप्पो, फर्स्ट विल राइट द फुल स्पेलिंग, पोटमस एंड हियर अपोस्ट्रोफी, इसका सिंगुलर ये है एंड प्लूरल विल बी hippopotamuses and here apostrophe. Next, passenger, so it will be passengers, apostrophe s here, and when we are talking in plural we'll write passengers. Clear? In this way you are going to complete this exercise. Now we are moving to notebook's work. Write down number F, today's date, possessive noun. Leave one line. We use possessive form of a noun to show who owns something. Full stop. First, second, we use an apostrophe and s with a noun to show possession. For example, shell jars. The apostrophe is pencil. Priya's room, etc. Full stop.
Turn the page. Date again. Then I explained you points to remember. On a new page we'll write points to remember. Leave one line, write down A. We use apostrophe S after singular nouns, full stop. For example, Nischal's cat, comma, Kartike's eraser, etc. B. In plural nouns that ends in S, we use apostrophe after the S, full stop. For example, girls, bands, and parents' anniversary, comma, etc. Full stop. Turn the page for exercise. This is the last exercise of this chapter. Exercise number 6. Underline, write down the date. The correct words in the brackets, full stop. First one, the, in brackets we'll write down two options. Mistress, apostrophe S, then mistress, SS, and like this. Bracket closed. Name was Amanpreet. Number two. The, in brackets we'll write down girls, this one and this, hostel is not far from here. Number three. We should know a citizen's
rights and duties. Full stop. Number 4. These dancers costumes are very attractive. Number 5. Those beggars, clothes were torn and dirty. Full stop. Now, see, we have to underline the correct nouns here. The mistress or mistress name was Amanpreet. Which will come here? Singular noun here. So, this will be singular one. We'll underline this one. Next, the girl's hostel is not far from here. In hostel, not one girl live, many girls live. So, girls, plural. We should know a citizen's right and duties. Yes, rights and duties of a citizen. So, only one citizen or many citizens? We should know a citizen's right. This one. These dancers' costumes are very attractive. Many dancers will be there. So, dancers. Those beggars' clothes were torn and dirty. Those beggars here. With this, we have completed our chapter Nouns and Kinds of Nouns. In the last session, I gave you homework in the book. So, let's discuss the homework. Open your grammar books. I gave you page number 15 as homework. Here are the answers of this. You can check it. Treatment, truth, happiness, health, fragrance, punctuality, trouble, justice, life, wisdom. For the next exercise, hate, guilt, dishonesty, meanness, cruelty, sadness, injustice, cowardice, impatient, falsehood, weakness, ugliness, failure, enmity. With this, we have complete our book exercises also. This homework, you do it. We'll discuss it in our next session. Till the time, bye-bye. Wish you a very happy Independence Day. Enjoy your day.